लेट्स मेक वेजिटेबल फ्राइड राइस। इसके लिए मैंने एक कप चावल लिया था जिसको मैंने भिगो के रख दिया था। अब मैंने एक कप हेयर चंक्स लिया है जिसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। कढ़ाई ली है जिसमें मैंने पानी डाला है, तेज पत्ता, लौंग एंड काली मिर्ची डाल के चावल को बॉईल कर लिया है। सेम कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करके इसमें जीरा, तेज पत्ता, दो रेड चिली, हींग, गार्लिक एंड प्याज डाल के इसे थोड़ा सा सौते कर लिया है। प्याज को थोड़ा सौते करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है कैरेट एंड ग्रीन चिली। सोया चंक्स का पानी निकाल के हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था टमाटर एंड नमक। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक के पकने दूंगी जैसे कि टमाटर और सब्जियां थोड़ी सी पक जाएं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड चिंग्स फ्राइड राइस मसाला। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉयल्ड चावल एंड अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। एंड यस, हमारे वेजिटेबल फ्राइड राइस हैं रेडी। फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।